ओके सो आफ्टर द सनसेट हम लोग अब जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर की तरफ। तो जब यहाँ आए हैं पूरी इतना दूर तो क्यों ना यहाँ जो चार धाम में से एक धाम है पूरी जगन्नाथ धाम वो भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं कह रहा था कि चार धाम में से एक धाम पूरी जगन्नाथ धाम है, तो अभी हम लोग यहीं पर आए हैं। तो टोटो ने हम लोगों को बैक गेट में छोड़ा है, तो वॉक करके हम लोग फ्रंट गेट की तरफ जा रहे हैं और फिर वहाँ का एरिया जाकर एक्सप्लोर करेंगे। कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से अभी मंदिर बंद है और मंदिर का द्वार भी बंद है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ मंदिर का दर्शन बाहर से कर पाएंगे, अंदर से नहीं। तो कोई बात नहीं, हम लोग बाहर से ही देख के दर्शन करके यहाँ से फिर जाएंगे। सो मंदिर के बाहर का जो मार्केट एरिया है अभी फ़िलहाल हम लोग वहाँ पर हैं। भीड़ की वजह से यस इम्पैक्ट तो हुआ है, लोग कम हैं, पहले से बहुत ही कम है, लेकिन लोग हैं, दुकान भी खुली हुई है, लोग आ रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो पहले ऐसा माहौल नहीं है जहाँ पर जब मंदिर खुला रहता था जैसी भीड़ होती थी। मेरे पीछे आप पूरी जगन्नाथ धाम का मेन गेट देख रहे हैं जहाँ से मेन एंट्री होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गेट अभी बंद है और नॉर्मल लोगों के लिए अभी एंट्री नहीं है। गुड मॉर्निंग वंस अगेन फ्रॉम पुरी। सुबह के बजा है 6 और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 6 बजे तक होटल रूम छोड़ देंगे, बट थोड़ा सा डिले हो गया है। सो विद इन द नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट्स वी विल लीव एंड स्टार्ट अ जर्नी फ्रॉम पुरी टू कोलकाता। तो आइए आपसे अब डायरेक्टली रोड पे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके पीपल, तो मेरा सफ़र आज का स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम पुरी होटल रूम टू माय ओन रूम इन कोलकाता। तो अभी वक्त हुआ है 6:40 और हम लोग निकले हैं। सबसे पहले तो अभी एक पेट्रोल पंप देखना है जहाँ से मैं जाकर फ्यूल लूँगा और टैंक फुल करूँगा। सी बीच में कभी भी कोई भी सी बीच जाओ, आप दीघा जाओ या पूरी जाओ, सुबह का जो वक्त होता है, सनराइज़ का जो वक्त होता है, वो अमेजिंग होता है। पता नहीं ये कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा होगा। पेट्रोल पंप चलना है, पेट्रोल पंप। ओके फ्यूल ले लिया है, चलो भाई साहब अब निकलते हैं यहां से अपने मंजिल की ओर। सुबह सुबह का वक्त है, ठंड हवाएं चल रही है, तो मैंने क्या किया, जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने कोई मोटा सा जैकेट लिया नहीं है, तो अभी निकलते वक्त मैंने ये किया है कि पहले मैंने एक रॉयल एनफील्ड वाला जो शर्ट है वो पहना, उसके ऊपर मैंने अपना एक और फुल शर्ट पहना है, उसके ऊपर मैंने अपना विंडचीटर पहना है एंड देन उसके ऊपर राइडिंग जैकेट पहने हैं। उसके बावजूद भी थोड़ी ठंड लग रही है,
होपफुली 2 घंटा 2.5 घंटा बाद ठंड कम हो जाएगी। प्रतीक यहाँ से प्रतीक भुवनेश्वर रुक जाएगा, उसको भी आज ऑफिस ज्वाइन करना है, और हम लोग सीधा निकल चलेंगे कोलकाता के लिए, और मुझे भी आज ऑफिस ज्वाइन करना है सेकेंड हाफ में। देखते हैं कितने बजे तक पहुंच पाते हैं। थैंक यू, विजिट अगेन, ऑफ कोर्स विल विजिट अगेन। उड़ीसा में अगर कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन एक चीज बहुत अच्छा है, वो है यहाँ का रोड्स। आपको रोड्स लेकर कोई तकलीफ नहीं होगी, इट इज मेंट फॉर राइडिंग एंड ड्राइविंग, सो इस चीज को लेकर आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, सो वी हैव ऑलमोस्ट रिडन 43.5 किलोमीटर्स। यहाँ से भुवनेश्वर दिखा रहा है 18 किलोमीटर। यहाँ से राइट लेने से काकतपुर आ जाएगा। 43 किलोमीटर हम लोगों ने 40 मिनट में कवर कर लिया है। अभी वक्त हुआ है 7:15, विच इज गुड। ओके, तो हम लोग ऑलमोस्ट भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। सामने से प्रतीक लेफ्ट लेगा, लेगा और सिटी एंटर कर जाएगा, और हम लोग बाहर की तरफ से होते हुए फिर टूवर्ड्स कटक एंड कोलकाता निकल जाएंगे। चल भाई, टेक केयर, ख्याल रखना। हाँ चल बाय बाय। चलो ठीक है, प्रतीक लेफ्ट लेकर सिटी निकल गया और हम लोग सीधा लेकर अपने सिटी की ओर। ओके, तो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं कटक सिटी, और वक्त हुआ है 8:10। ओके, सो दिस इज द फेमस महानदी ब्रिज। आते वक्त आप लोगों को दिखा नहीं पाया था। सो नीचे महानदी बहती है और थी, पहले तो काफी पानी था बट अभी थोड़ा सा सूख गया है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। ओके, तो 102 किलोमीटर कवर कर लिया हम लोगों ने, और हम लोग थे टांगी में। तो यहां पर चाय वगैरह कुछ पिया नहीं हम लोगों ने, बस 10 मिनट का एक ऐसे ही छोटा सा ब्रेक लिया था कमर सीधा करने के लिए। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी जाओ, टोल प्लाजा अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो टू व्हीलर के लिए इट इज फ्री, तो इसीलिए हम लोगों को लाइन पे नहीं लगना पड़ता है टू पे द टोल। नो क्लू एक्शन कैमरा कितना इस सीन को जस्टिफाई कर रहा है, बट ट्रस्ट मी, जबरदस्त। कोलकाता 391 किलोमीटर, बालासोर 150 किलोमीटर।
भाई साहब, यही सब तो नजारा देखना है। वाह क्या बात है, क्या बात है। पहाड़ों फूल बरसाओ, तेरा महबूब आया है, तेरा महबूब आया है। क्या बात है, एकदम जज्बातों से निकली हुई ये बोल। ले जाए जाने कहाँ हवाएं, हवाएं ले जाए तुझे कहाँ हवाएं, हवाएं बेगानी है ये बागी, हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहाँ, हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता। अभी हम लोग भद्रक से आगे थोड़ा एक जगह रुके हुए हैं। अभी हुआ है टाइम 10:27 और 201 किलोमीटर्स हम लोगों ने कवर किया अभी तक। अभी यहाँ पर सिर्फ चाय पियेंगे हम लोग और एक दो बिस्किट खाया है मैंने, और वील हैव प्रॉपर ब्रेकफास्ट, रादर यू कैन से वी हैव अ प्रॉपर ब्रंच बाय अराउंड 12 o'clock। लेट्स सी। कैमरा में तो नहीं दिख रहा होगा बट उस तरफ पीछे का तरफ मुझे हेजी हेजी दिख रहा है। वहाँ पर पहाड़ है और वो पहाड़ के पीछे राउरकेला है, राउरकेला वाला एरिया। तो जब हम लोग रायपुर से आ रहे थे कार से वापस रायपुर टू कोलकाता, वो व्लॉग भी मैंने दिया हुआ, अगर आप चाहें तो आप दे सकते हैं, मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। तो रायपुर टू कोलकाता जब हम लोग आ रहे थे तो वही रूट से आ रहे थे, राउरकेला वाला रूट से, एंड द रोड्स वर ब्यूटिफुल, इट वॉज रियली अमेजिंग। तो इफ यू वॉन्ट प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो, लिंक मैं डाल दूंगा। यहाँ से कोलकाता 241 किलोमीटर्स बता रहा है। पहला स्टॉप हमने लिया था 100 किलोमीटर्स में, दूसरा स्टॉप हमने लिया था 200 किलोमीटर्स में, और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं तीसरे स्टॉप के लिए। अभी हम लोग हैं जलेश्वर में, यहाँ पर रुके हैं एक जगह लंच करने के लिए, बस लंच करके यहाँ से निकलेंगे, तो जल्दी से खा लेते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। होटल ग्रीन चिली रेस्टोरेंट में यहाँ पर रुके थे हम लोग, यहाँ पर माछ भात खाया हम लोगों ने, एंड हमारा टोटल बिल हुआ है 270 rupees खाने का, विच इज़ क्वाइट फेयर। वेस्ट बंगाल में घुस चुके हैं, जस्ट अभी हम लोगों ने बंगाल में एंट्री की है। बंगाल केमन आछो, ओके। ये है मेन चौराहा, यहाँ से राइट हैंड साइड हम लोग कोलकाता के लिए जाते हैं, और फिर आगे जाके एक और राइट है, वो राइट अगर लेते हैं तो फिर आप खड़गपुर सिटी में घुस जाएंगे, खड़गपुर स्टार्ट हो जाएगा, और सीधा अगर हम लोग ले लेते हैं तो वो फिर टूवर्ड्स कोलाघाट एंड शेरे पंजाब एंड कोलकाता अपने घर। आप थोड़ा हॉर्न देना सीख लो भाई लोग। ये शीशा को बार बार उठा रहा हूँ और ये हवा से नीचे हो जा रहा है। तो भाई लोग, एक होता है गुड रोड और एक होता है बटर रोड, मतलब मक्खन रास्ता। तो अभी जिस रास्ते पे और जिस हाईवे पे मैं चला रहा हूँ भाई, ये है मक्खन हाईवे, मतलब मक्खन रास्ता, फुल बटर।
Alright, so we have covered 445 kilometers since morning और हम लोग आ चुके हैं कोला घाट। तो यहाँ पर शेरे पंजाब में थोड़ा देर का हॉल्ट लूँगा, यहाँ पर एक कप चाय पीऊँगा एंड देन वील प्रोसीड। घाट में हम लोगों ने 10 मिनट का ब्रेक लिया, यहाँ बस एक कप चाय पिया और जस्ट थोड़ा स्ट्रेच वेच करके अभी निकल रहे हैं यहाँ से। अराउंड एक से डेढ़ घंटे के अंदर इंशाल्लाह हम लोग घर पे होंगे। अब वक्त हुआ है 4:15 और कोला घाट शेरे पंजाब से हम निकल रहे हैं और हम चढ़ गए हैं कोला घाट ब्रिज पे। We have covered 509 kilometers और अभी मैं पहुंच गया हूं विद्यासागर सेतु। ओके, 513 किलोमीटर अभी तक चला लिया है और मैं माजरहाट ब्रिज पहुंच चुका हूं, बस 15 मिनट की दूरी पे अब घर। आज का टोटल राइड 523 किलोमीटर्स। आज का टोटल राइड था 523 किलोमीटर्स। और अगर ओवरऑल ट्रिप की बात की जाए घर से निकलकर वापस घर तक, तो मैंने राइड किया है 1160 किलोमीटर्स। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और प्लीज आई एम रियली डेस्परेट फॉर योर कमेंट्स कि मोटो ब्लॉगिंग कैसा आया, बिकॉज दिस वॉज अ न्यू कैमरा एंड आई एम नॉट वेरी मच फेमिलियर विद द सेटिंग्स, तो ये सेटिंग ठीक है या नहीं। एंड पीपल हु आर प्रो इन एक्शन कैमरा, प्लीज़ लेट मी नो कि मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स फॉर श्योर। बस ऊपर वाले से मेरे सेहत के लिए दुआ करें और ऐसे ही मैं राइड करता रहूँ और आप लोगों के लिए वीडियोज लेकर आता रहूँ। टिल देन, फयाज मामसा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, टेक केयर।